हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। असम में तिनसुकिया जिले के बागजान तेल कुएं में मंगलवार को आग लगी जो अभी तक नहीं बुझ पाई है। इस आग को काबू पाने की कोशिश में ऑयल इंडिया लिमिटेड के दो कर्मचारी मारे गए हैं। ये कुआं पिछले 15 दिनों से अनियंत्रित ढंग से गैस उगल रहा है, तो जानेंगे इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन ऑयल लिमिटेड के दोनों कर्मचारियों की बॉडी कुएं के पास एक वेटलैंड में पाई गई। यह तेल कुआं असम में तिनसुकिया जिले के बागजान में स्थित है। यह आग इतनी बड़ी थी कि 10 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। यह तेल कुआं ऑयल इंडिया लिमिटेड से संबंधित है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF के कर्मचारी मौके पर वहां पर पहुंच गए थे और कुएं में आग लगने की समीक्षा कर रहे हैं। आग लगने के बाद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की। यहाँ पर डर ये है कि यह विस्फोट और ये फायर आसपास के क्षेत्रों में भी न फैल जाए। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के व्यवसाय में काम करता है। यह भारत की सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसके मुख्य कुएं डिगबोई और बाइकजान में हैं। सिक्योरिटी रूल सही से फॉलो न करने के वजह से आप आए दिन कंपनियों में गैस लीक और आग लगने की खबरें सुनते हैं। सभी कंपनियों के लिए भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ सिक्योरिटी लेवल निर्धारित किए हैं जिसका पालन कंपनियों को करना होता है। इस आग की वजह से लगभग 8000 लोगों को अपने घर को छोड़कर दूर जाना पड़ा है। बागजान यूनिट का संचालन गुवाहाटी से होता है जो बागजान से 345 मील दूर है। इससे पहले भी OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड में आग लगने की खबर आ चुकी है। इससे पहले 2 फरवरी के आसपास ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल पाइपलाइन में आग पकड़ लिया था जो असम के ही डिब्रूगढ़ जिले के नहर कटिया के सासोनी गांव के पास दिहिंग नदी में लगी थी। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये है डिब्रूगढ़, ये है दिहिंग नदी और यहाँ पर है नहर कटिया और ये है तिनसुकिया। इस आग को बुझाने में और वक्त लगेगा, जिसके लिए NDRF और इंडियन ऑयल लिमिटेड के कर्मचारी लगे हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट।